देखो जी, राती दे 11 बजे ने और बिशना हॉस्पिटल च अस मौजूद हैं इस वक्त। ये लोग जेडे तुस दिखा दे खलोते दे, ये वो लोग ने जेडे अपने पेशेंट कन्ने आए दे ने। इस वक्त इंदी ये मजबूरी है कि इन्हें हॉस्पिटल च ते अपने पेशेंट लिए आए दे ने, लेकिन इन्हें दवाई नहीं मिला दी है। जेडे हॉस्पिटल अंदर दुकान है वो बंद है, तो जिसके कारण इन्हें दवाई जेडे अपने पेशेंट है उन्हें देने बड़ी बड़ी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर तो दवाई लिखी दे ही उड़ा देने नहीं, लेकिन वो दवाई मिला दी नहीं है। आओ गलबात करने हैं। सर के नाम थोड़ा? अशोक कुमार। ते तुस भी कोई पेशेंट करने आए दे हो? हाँ जी। ते दवाई? दवाई इतने दुकाना बंद है, दवाई कितों लेनी? डॉक्टर ने भी दवाई लिखी है? हाँ जी, दवाई लिख के दी, वो बाहर जाके किसी दुकान खुला के लेंदी। अच्छा, हार्ट पेशेंट लेंदा था इतने, तो इतने कोई दवाई नहीं लभे, कोई बंदा मर गया। फिर की आखना चाहगे हो? आखना कि है कि भाई ये दुकाना खोलनी चाहिए ना, तो नहीं तो क्या फायदा फिर दुकाना खोलने का। इतने सर अंदर भी प्रधानमंत्री तरफ एक दुकान दी गई है जिते ओ, फिर पता नहीं अंदर दी है जां नहीं, सानू तो कितने लभी नहीं, पूरा हॉस्पिटल फेरड़िया। सर अंदर भी दुकान है बंद है, क्या आखना चाहिए खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए है, सारे लिए फायदा होएगा अगर खुलेगी। तो हूँ कितनी मुश्किल पेश आ रही है? मुश्किल तो आएगी, जिन बेचारे ने एक सिरदर्दी की टिक्की भी लैनी है तो वो कितने जाएगा लैन। ये स्थिति तो समझी सकते हो, ये सारे वो लोग ने जेडे अपने पेशेंट्स के कन्ने ने और बाहर एक किस्म का इंतजार कर रहे हैं कोई दवाई शवाई वाली दुकान खुले तो अपनी जी दवाई ले सकन। आओ तो दुकान का भी दृश्य दसी उड़ने। जन औषधि केंद्र, ये एक जन औषधि केंद्र है और जो लोग हैं उन्हें दवाइयाँ लाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये दुकान खुली होती और जो लोग यहाँ अस्पताल दिखाने के लिए आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਦਵਾਈ ਕੁਦਰਤ ਪਿਤਾ ਪੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਲਈ ਆਓ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹਸਪਿਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰਾ ਲਿਆਓ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਾ ਦੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨ। पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस बाईपास कुंजवानी,